वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। आज पानी में उतर के आना पड़ा है आखिरकार। खाली ये चीज़ समझाने के लिए, मैं समझना कि कोई मौज मस्ती करने आए हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए आज पानी में उतर के आना पड़ा है कि शेयर बाजार में एक ऐसा ताबड़तोड़ शेयर आ चुका है, आ क्या चुका है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है बहुत टाइम से। सिर्फ ये बताने के लिए कि आज जिस शेयर की बात होने वाली है वो पानी में आग लगा देगा, ऐसा ताबड़तोड़ शेयर है। आप पूछना चाहते हो कि कौन सा शेयर है, सोचना चाहते हो, उससे पहले एक बात जाननी बड़ी ज़रूरी है। शेयर बाजार में ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये गोला, इसको कहा जाता है स्टॉप लॉस। ये बचाता है पानी में जाने से, समझ रहे हो। अब डुबकी मारनी हो समुंदर में, उसकी गहराई नापनी हो, तो फिर वो लोग काम करते हैं जो अभी नए नए आते हैं ना शेयर बाज़ार में, उनको ऐसे लगता है कि यार ये तो क्या है, अपने को तो गहराई नापने की आदत है, मार देंगे छलांग, नाप लेंगे गहराई। फिर नीचे जाके पता लगता है कि नीचे कई लोग बैठे हुए खींचने के लिए भी, तो नीचे जाके शेयर बाज़ार की गहराई नापने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है पहले ही समझ जाना, ऊपर पानी की सतह पर ही समझ जाओ कि ज़्यादा गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये जो पीछे आप स्टॉप लॉस देख रहे हो ना, जो बचाएगा, इसका पहले दिन से ख्याल रखना और कोशिश ऐसी करो कि ये लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे काम ही मत करो, ऐसे काम ज़्यादातर ट्रेडिंग में करने पड़ते हैं, वो नहीं करो तो बेहतर है। लॉन्ग टर्म अपना जब बढ़िया है इन्वेस्टमेंट करो और भूल जाओ, भूलना नहीं एग्जैक्टली, भूल जाओगे तो फिर कल को कैश कैसे करोगे, बट हाँ इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म नज़रिए से छोड़ दो चीज़ को, पैसा अच्छा बन सकता है। तो अब शेयर का नाम आप जानना चाहते हो, गए उत्सुकता है कि शेयर का नाम आखिर है क्या, तो बेसब्री से नाम जानना चाहते हो गए शेयर का कि आखिर वो कौन सा ऐसा ताबड़तोड़ शेयर है। तो वो शेयर का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। अब सोच के जो बंदे आज नहीं जी ये शेयर बहुत हाई चल रहा है या ये शेयर, सोचना बनता भी है आप लोगों का। कल भी इसी बारे में बात हुई थी कि 100 में से 95 लोग शेयर बाजार में पैसा नहीं कमाते, वो इसी वजह से ही नहीं कमाते ना, क्योंकि सोच ही बहुत गहरी पहुंच जाती है कि नहीं यार बहुत हाई चल रहा है, कीमत बड़ी हाई है। सोचते रहो, सोचने से अगर आपको लगता है पैसा कमा लोगे तो सोच के देख लो, फिर नहीं लगे तो फिर हाई लो ढूंढना बंद कर देना शेयर का। हम लोग कोई नहीं होते हाई लो डिसाइड करने वाले। निफ्टी जब 4-5 हज़ार पे भी चला करती थी ना, लोग टारगेट दिया करते थे 3,000 आ जाएगी, 3500 आ जाएगी। आज 19,000 आने के बाद लोग टारगेट दिया करते हैं 12,000 आ जाएगी, 13,000 आ जाएगी। अभी जब ये 25,000 चली जाएगी फिर कहेंगे 20,000 आ जाएगी। तो ये जो 95% लोग हैं ये अपने आप में ही इतने बड़े एनालिस्ट हैं कि मतलब इनको एक अलग ही, इनके अंदर ना मैं बताऊँ तो इनमें कोई एक अलग ही किस्म की शक्ति होती है कि जो ये लोग पूरा टाइम बस प्रिडिक्शन करते रहते हैं लेकिन पैसा कभी नहीं बना पाते। और पैसा ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि खुद से ये डिसाइड कर लेना कि शेयर का टारगेट क्या है, खुद से बैठ के ये डिसाइड कर लेना कि ये शेयर का लो क्या लगने वाला है, हाई क्या लगने वाला है। अरे भैया अपने आप को खिलाड़ी समझना बंद करो, शेयर बाज़ार में कोई खिलाड़ी नहीं है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी प्राइस के ऊपर शेयर खरीदो, कोई टेंशन लेने की ही नहीं है, जिस मर्जी रेट के ऊपर शेयर खरीद लो। भाई साहब थोड़ा उधर जाके कर लो, ये पानी की छींटे उड़ रही है। हाँ जी, तो किसी भी रेट के ऊपर जाके शेयर खरीद लो, लेकिन एक ही बारी में सारा पैसा मत लगाना, ताकि आपके पास हमेशा जब शेयर नीचे आए तो पैसा होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए, फिर कभी दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत सबसे ज़्यादा सिर्फ तभी होती है जब एक ही रेट के ऊपर एक ही साथ सारे पैसे लगा दिए शेयर बाजार में। तो भैया ये जो काम कर लोगे फिर आपको प्राइस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हाई क्या लग गया लो क्या लग गया, खरीदना चालू करो, एवरेज करना चालू करो, और जितनी ज़्यादा नीचे आएगा जितनी ज़्यादा एवरेज कर पाओगे उतना ही फ़ायदा कमा पाओगे शेयर बाज़ार में। अब M&M के बारे में, आज के ज़माने में देखो भाई, जितने भी अपने यंग भाई लोग हैं लोंडे लपाटे टाइप, वो सारे ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज SUV सेगमेंट के अंदर स्कॉर्पियो XUV 700 और साथ में जो थार, ऐसी ऐसी ताबड़तोड़ गाड़ियां हैं जो आज SUV सेगमेंट में कब्जा करके बैठी हैं। और आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार खाली SUV मार्केट से क्या हो जाएगा, कभी ज़रा ढंग से जाके ना चेक करो कि
R&D के ऊपर या EV सेगमेंट के अंदर जो बॉर्न इलेक्ट्रिक महिंद्रा वालों ने अपना एक नया रेवोल्यूशन निकाला हुआ है, ये चीज़ें आज आपको इसलिए हल्की लग रही होंगी क्योंकि पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ताबड़तोड़ रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा ना वो अगले 2-3 सालों के अंदर मिलेगा। और महिंद्रा एक अकेली ऐसी ताबड़तोड़ कंपनी है टाटा मोटर्स के साथ, याद रखना टाटा मोटर बहुत ताबड़तोड़ कंपनी है ईवी की, उसके बाद अगर कोई झामफड़ कंपनी है तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो ईवी के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है और स्पेशली अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि ईवी मार्केट के अंदर क्या ताबड़तोड़ ये चीज़ आप देखोगे रेवोल्यूशन लेकर आएगा M&M। आज अगर आप देखोगे तो ईवी सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर 80% है टाटा मोटर का। अब भाई थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो M&M का भी है ही है और आने वाले समय में बढ़ने भी वाला है। तो ये नहीं है मतलब कि आप जाके आज M&M के शेयर खरीद लो या कुछ, अपनी रिसर्च कर लो यार अपना, हम तो पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। और फिर अगेन डिस्क्लेमर जरूरी है भाई, ये शेयर बाजार है, अपनी रिसर्च पूरी करो, जाके ढंग से समझो, हम तो खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पर नया चला हुआ है ना POV, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं हम तो, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से करो। बाकी अभी मिलते हैं जरा नई अपडेट के साथ, जरा जाके कुछ पानी वानी पिए हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, गला सूख गया है, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। अब बैठना पड़ेगा पानी में वीडियो बनाने के लिए, क्या कर सकते हैं भाई, अब ये शेयर है ही पानी में आग लगा देने वाला तो इसकी वीडियो कहाँ जाके बना सकते थे। अब मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। एक बात और ध्यान रख लेना, पैसे को इतना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि पैसे से ऐसा नहीं है कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, समझ गए ना। पैसा कमाना कभी बंद मत करना, हाँ बस सर पे मत चढ़ाना कभी, क्योंकि जितनी जल्दी ऊपर चढ़ते इंसान घमंड करते हैं तो वो नीचे भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। खैर हमारे को तो अभी बढ़ने से पहले ये बात पता है, ध्यान रखना, पर आप जो लोग बढ़ चुके हैं उनके लिए है ये। और एक बात और स्पेशल वो ये है, शेयर बाजार में कोई भी पैसा आप कमाते हो तो उससे कुछ भी ना ज़रूर कोई अच्छा काम ज़रूर कर कर आना कभी भी। और चाहे आप जो है मतलब मैं ये बोलूँगा कि चाहे आप 1,000 रुपये ही कमाओ, चाहे 1,00,000 कमाओ, चाहे 10,00,000 कमाओ, आदत डाल के रखो जब पैसे आए तो उससे कुछ अच्छा काम ज़रूर कर कर आओ, कुछ किसी को खाना खिला कर आओ या फिर किसी की जो मदद हो सके वो ज़रूर करो, ज़रूरी भी है। बाकी बात चल रही थी आज हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो भैया देखो 600-700 500-400 रुपये तक भी ये शेयर गया था, मेरे ख्याल से शायद 300 के अराउंड भी था, बट वही वाली बात है कि तब उस समय के ऊपर लोगों को ये चीज़ लगा करती थी कि यार पता नहीं अब कब ये शेयर बढ़ेगा या क्या होगा, लेकिन अब जब वापसी वो उसने करी तब 1,000-1,100 के ऊपर भी कम से कम 3-4-5-6 महीने खड़ा रहा था। अब आज 1,500 आ गया तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद 1,000-1,100 आए तो ख़रीद लें, करो, इंतज़ार करने से कोई रोक थोड़ी सकता है या इंतज़ार करने पे कोई रोक थोड़ी है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन छलांग मार के भागा उसके बाद जैसे महिंद्रा की थार भागती है ना या महिंद्रा की गाड़ियाँ भागती हैं ऐसी भागेगा शेयर, वो भी नॉन स्टॉप ताबड़तोड़, क्योंकि अच्छी कंपनी कब तक खड़ी रहेगी एक ही रेट पर भाई। जब अच्छी कंपनियां एक रेट पे खड़ी रहे तो समझ लेना ये तूफान से आने के पहले की शांति है, तो बस अपनी तैयारी करके रखो और लॉन्ग टर्म 5-7 दिन समझ के ट्रेडिंग मत करना कि कल सुबह खरीदने बैठ जाओ कि ले लपा लप भागना चालू, ऐसा नहीं होता, 5-7 साल का इंतज़ार करो, बीच में भाग जाए आपकी किस्मत है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ग्रेजुअली भागेगा ना तभी कंसिस्टेंसी दिखाएगा। बाकी एक और शेयर अगर बोनस समझना चाहते हो तो थोड़ी सी देर वेट करो, एक मीटिंग चालू होने वाली है, वो ख़त्म करते हैं, जस्ट अब ऊपर जाते हैं, मीटिंग ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से मिलते हैं और फिर आपको एक और बोनस शेयर जाते जाते बताई जाते हैं आज की वीडियो में। मीटिंग ख़त्म हो गई है, काफ़ी लंबी मीटिंग थी तो इसीलिए जो मतलब थकावट बोल बोल के ही, पता नहीं एक्चुअल के अंदर जब कहीं मीटिंग के अंदर हम लोग जाते हैं ना तो जब एक बारी बात स्टार्ट हो जाती है ना कोई, पहले मैं चुपचाप आराम से बैठ के सुनता हूँ कि कोई बात नहीं पहले आप अपनी पूरी कर लो,
जो भी आपके मन में है, फिर वो सुनने के बाद ना, फिर जब मतलब सामने वाला बंदा जब ये कहता है ना चलो जी अब आप बोलना स्टार्ट करो, फिर ना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, वो बातें खत्म नहीं होती हैं। और ये अभी से नहीं है, बचपन से मेरा हिसाब किताब है, बस स्कूल छोड़ के, क्योंकि स्कूल के अंदर मैं कम बात करा करता था, ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि मैं पता होता था फिर टीचर गलती निकाल देगी। लेकिन बाद में शेयर बाजार में जब बात चालू होती है तो 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं लाइन से, फिर पता ही नहीं लग पाता है कि कैसे कौन सा टॉपिक शुरू हो गया, क्या बात होगी, क्या सारी चीजें। चलो एनीवेज बढ़िया जगह लेके चलते हैं, अब मन कर रहा है थोड़ा सा रिलैक्स करके फ्रेश होके, फिर उसके बाद निकलते हैं जरा बाहर थोड़ी ताजी हवा में, शेयर बाजार की बात करते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा इतना है कि बंद कमरों में ना ये बातें हो नहीं सकती, तो खुले आसमान में जाके बात करेंगे कि बात का वजन होना चाहिए। ठीक है भाई, दीवारों के भी कान होते हैं, कल कोई दीवारों ने भी डीमैट अकाउंट खोल के शेयर खरीद लिए ना, तो फिर जब तक आप खरीदोगे तब तक भाग जाएंगे शेयर। करते हैं अभी थोड़ी देर में बात आपसे। तो बात हो रही थी हमारे बोनस स्टॉक की, कि कौन सा ऐसा बोनस स्टॉक है एक और ताबड़तोड़ वाला। यार स्टॉक तो मैं आपको बहुत सारे बता दूं, बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि आप डैशबोर्ड पे करने के लिए जाओगे क्या, सांप सीढ़ी खेलने जाओगे, लूडो खेलने जाओगे, क्या खेलोगे क्या वहाँ जाके। तो फिर इसीलिए मेरे को लगता है कि स्टॉक तो मैं आपको बता दूं, कहीं अबड़ा दबड़ी में जाके आप एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दोगे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि मैं यार हमेशा मतलब हम हमेशा पूरा दिन बस ये चीज़ बोलते हैं कि क्लाइंट पैसा बनाए। अब क्लाइंट को पैसा बनाने के लिए ना उसको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। शेयर बाजार में आज तक होता ही यही है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एकदम से हाइप हो जाते हैं, चल यार फटाफट से एक ही स्टॉक में पैसा लगा दो, एक ही साथ लगा दो। तो पहले तो यार मैं आपको बोलूँगा वैल्यू इन्वेस्टिंग को ढंग से समझ लो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है, फिर उसके बाद अच्छे से करो। बाकी ये रही बोनस स्टॉक की बात, तो वो ताबड़तोड़ शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यार रिलायंस के साथ ना हमेशा से एक चीज़ होती है, जब उसकी अच्छी न्यूज़ आ जाती है फिर सारे लपक लेते हैं, उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो किसी में होल्ड करने का जिगरा नहीं होता। और 2100 के रेट से हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस दिन उसने लो मारा था, शायद 2105 का था, उसी दिन हमने वीडियो बनाई थी कि चिपक के बैठ जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, इसको हल्का समझने की गलती मत कर लेना, ये ज़रा उस्ताद जी चश्मा पकड़िए। तो उसी दिन हम लोगों ने ये बात क्लियर कर ली थी कि भाई पंगे में मत फंसना, कहीं आप जो है ये सोचो कि हम जो है इसको नकार दें या कुछ कर दें। जब अच्छा शेयर होता है नीचे की रेट के ऊपर आता है ना, तो वो ख़रीदने का मौका बनता है यार। अब वही है कि 90% लोग तो ख़रीदते ही नहीं हैं। चलो एनीवेज एक बात आपको बताऊँ ओलेक्ट्रा के बारे में भी, ओलेक्ट्रा के साथ अब रिलायंस का टाई अप हो चुका है, हाइड्रोजन बसेज ओलेक्ट्रा बना के देने वाला है रिलायंस को, तो वो भी अपने लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत अच्छी ताबड़तोड़ चीज़ है जो आगे आने वाले समय के अंदर वो चीज़ काम कर सकती है। और रिलायंस ने अब जो उसका रिलायंस दूसरा आया है जियो फाइनेंशियल, अब उसके बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगले ब्लॉग में उसको भी क्लियर कर देंगे। अब एक ब्लॉग में एक दो शेयर के बारे में ही बातचीत हो तो ठीक है, ज़्यादा ही कहीं आप हिल जाओ नहीं भाई, अब तो कल सुबह उठते ही गुल्ला छाप देना है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, संयम से काम लेना है और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी है, और साथ में जो है प्रॉपर अपनी रिसर्च करो तरीके से, फिर आपको समझ आए तो ज़रूर करो, क्योंकि शेयर बाजार जब मौका देता है ना उसके बाद लोग रिसर्च करना चालू कर देते हैं, ये रिसर्च वाले काम अपने पहले कर लो, फिर कभी मौका लग जाए ना तो गुल्ला छापने में ज़्यादा देरी मत करना, पकड़ लेना। चलो निकलते हैं गाड़ी में बैठ के, थोड़ी सी देर में दोबारा से जुड़ते हैं साथ। आज सुबह से शाम तक 4 मीटिंग करी हैं और पिछले 6 महीने से यही शेड्यूल है, वो इसी वजह से ताकि कुछ बढ़िया बन जाए आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा सिस्टम बना देना है। फाइनेंशियल मार्केट ही ऐसी है, शेयर बाजार ही ऐसा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार कुछ गलत ना हो रहा हो या कुछ ना हो रहा हो, तो बस ये सारी चीज़ों को बढ़िया कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए एक सही डेस्टिनेशन रहनी चाहिए पैसा लगाने के लिए। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, और एक बम्पर अच्छी खबर की तैयारी कर लो, 1-2 महीने की मेहनत जरूर है, उसके बाद एक ऐसी ताबड़तोड़ खबर मिलेगी अच्छे से पॉजिटिव न्यूज़, और फाइनेंशियल मार्केट के लिए मतलब
बादशाह ब्रोकिंग कुछ ऐसा अच्छा काम करेगा जिससे कि और बढ़िया और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी। ठीक है भाई, चल बेटा करो गाड़ी स्टार्ट, मिलते हैं थोड़ी देर में।